दिल्ली के मुखर्जी नगर से, जहां एक पीजी में आग लगने की घटना सामने आई, जिस पर फिलहाल काबू पा लिया गया। बताया गया कि बिल्डिंग में 35 लड़कियां फंसी हुई थी, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां वहां पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। बिल्डिंग की 5 लड़कियों को हालांकि मामूली चोटें आई हैं। इस पूरे घटना के दौरान अभी तक की जानकारी सामने यह है कि बिल्डिंग के अंदर जो मीटर बोर्ड लगा था, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था। मैं सहयोगी अभिषेक राज लगातार हमारे साथ लाइव है। अभिषेक, क्या अपडेट फिलहाल वहां से है और जिनको चोटें आई हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, बिल्कुल 35 लड़कियां थी और यही वो पीजी था जहां पे आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम मौजूद है और जैसे ही यहां फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी 7:45 पे, आनन फानन में फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां पहुंची थी और अंदर से 35 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। हालांकि 5 लड़कियां ऐसी थी जो बस फंसी हुई थी, जिनको बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने अलग से रेस्क्यू किया था, जिन्हें मामूली चोटें आई थी, उसके बाद नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अभी देखिए, यहां पे पूरे तरीके से शांति दिखाई देगा। फायर ऑपरेशन जो पूरा था उसको कंप्लीट कर लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा पूरे बिल्डिंग के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था उसको भी कंप्लीट किया गया है और उसके बाद यहां पे अभी आप देखेंगे कि किसी को भी अंदर जाने की जो इजाजत है वो नहीं दिया गया है। मौके पे लगातार जो पुलिस बल है, दिल्ली पुलिस के जवान है, वो आपको नजर आएंगे। जो लोकल थाना है वो आपको नजर आएगा और इसके साथ साथ जो तमाम आस पड़ोस के लोग हैं, काफी मशक्कत करके जो लड़कियां उनको बिल्कुल अभिषेक वापस आपके पास लौटते रहेंगे इस मामले में अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। तो अभिषेक ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, जो कि वहां से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।